मेरे मना करने के बावजूद तुम्हें अन्नू से ये सब कहने की क्या जरूरत थी? समझती क्यों नहीं हो यार तुम? असद मैं सिर्फ बात कर रही थी। रूही रूही, अन्नू का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनके दिल को अपनी शक भरी बातों से भर दो। और अम्मी, अगर उन्हें पता चला तो? पता है ना उनको कितना बुरा लगेगा। और भाई, भाई तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। तुम इस घर में मेरी पसंद से आई हो, सबने तुम्हें यहाँ दिल से कबूल किया है। तुम भी तो रिवायती भाभी मत बनो यार, मत डालो दिलों में शक और दूरियां। मैं दिलों में दूरियां डाल रही हूँ? ऐसा सोच में कैसे सकते हो तुम? मैं सिर्फ वो बोल रहा हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है, और बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में अन्नू के खिलाफ जो भी बातें उन्हें खत्म करो। ये घर इस तरह की मुखालफतें नहीं झेल सकता। प्लीज, मैं तुम्हें दोबारा अन्नू के साथ ऐसी वैसी कोई बात करते ना देखूं। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? समझ गई। आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कुछ नहीं कहूंगी मैं अन्नू से। दिल जो करे।